नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृद्ध मूक बधिर महिला से बाइक सवारों ने जेवर छीने। कोर्ट का राशन लेकर घर जा रही थी दलित महिला। थाना शिवरतनगंज क्षेत्र के निधिपुरवा मजरेपन होना का है पूरा मामला। अमेठी जिले के सीतरनगंज थाना क्षेत्र में दोपहर बाद एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इसमें कोटेदार के यहां राशन लेने गई एक मूक बधिर महिला के साथ दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कान और नाक में लगे जेवर छीन लिए और सातनपुरवा नहर पटरी से होकर फरार हो गए। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के पूरे निधिपुरवा मजरेपन होना निवासिनी मूक बधिर शिवकला पत्नी स्वर्गीय हरिराम पासी शनिवार को पन्ना ग्राम सभा के पूरे उपाध्याय पूर्वा गांव में शिवचंद्र कोटेदार के यहां राशन लेने गई थी, जहां से अहोरवा भवानी नहर पुलिया बड़े बाबा के पास पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने मूक बधिर महिला से जेवर छीन ले गए और फरार हो गए। इस मामले की जानकारी महिला के परिवारी जनों ने डायल 112 को दी। मौके पर डायल 112 की पीआरबी पुलिस ने घटनास्थल के छानबीन की है। वहीं घटना के 3 घंटे समय बीत जाने के बाद भी शिवरतनगंज थाने की पुलिस ने महिला से हुई छिनैती के मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। शनिवार को हुई मूक बधिर महिला के साथ इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में शिवरतनगंज थाने के पुलिस का कहना है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तुम्हार? कौन गांव? निधिपुरवा। अच्छा, कौन मौजा? पन्हौना। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या घटना हुई तुम्हारे घर पे? हमारा शिवचंद्र पांडे किस गाँव के है? उपाध्यायपुरवा के। अच्छा, जो छोड़ के लेके गए वो किस चीज से थे? गाड़ी से? मोटरसाइकिल से रहे, 2 लोग रहे। अच्छा, किधर के लिए गए वो? सातनपुरवा तरफ का। अच्छा, इसकी सूचना कहीं आपने किसी को दी? 112 नंबर फोन किया। अच्छा, 112 आई? अभी नहीं यार, अभी नहीं। अच्छा, कितनी देर पहले की घटना है, कब की? 1-1 घंटा हो चुकी है। अच्छा अच्छा, ठीक बच्ची, ठीक। मेन रोड से नहर तक गया। हाँ हाँ, जो नहीं पलेसर की बगल की गई है। पलेसर है नहीं ना, जिस मेन चले 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 चले। अरे दादी, आप ना जाइए, एक आदमी और कोई है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।